हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माय सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर टू हिस्ट्री के लिए जून 2023 एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। पीवाईक्यूज का यह सेशन 3 है, जिसमें हम अगले 15 जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पीवाईक्यूज हैं और किस प्रकार से रिपीटेड टॉपिक जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है वह हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री में हिस्ट्री सब्जेक्ट से टारगेट कर रहे स्टूडेंट के लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। यह जो कंप्लीट कोर्स है इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए टोटल 10 यूनिट हमें सिलेबस में दी हुई है। सो टोटल 10 यूनिट इसमें कंप्लीट कराई जाएंगी। फुल सिलेबस नोट्स हैं। टोटल 10 यूनिट्स की आपको थ्योरी, साथ ही साथ एमसीक्यूज और इसके अलावा आपको क्लास की पीडीएफ्स भी इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है। साथ ही साथ पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम की फीस 10,000 है, जिस पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 7,000 में यह कंप्लीट कोर्स विद पेपर वन अवेलेबल है। इट मीन्स पेपर वन एवं पेपर टू दोनों ही पेपर की प्रिपरेशन हो जाएगी। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कर लेना है, जिससे कि आप आने वाली एग्जामिनेशन जून 2024 एग्जाम के लिए आप टारगेट कर सकते हो। इसके साथ ही आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। स्टोर ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ हिस्ट्री का कोर्स सर्च करना है और हिस्ट्री के कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से पेपर टू के लिए हमारा कम्प्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन पहला है अभिकथन और कारण दिया हुआ है। सो पहला अभिकथन ए है, अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर के एक छोटे से गांव से समृद्ध नगर के रूप में विकसित कराया। इसका कारण है उन्होंने विधवाओं को अपने पतियों के धन दौलत के राज्य या तालची संबंधी अथवा प्रबंधकों को सुपुर्द करने की बजाय स्वयं अपने पास रखने की सहायता की। उपरोक्त कथन में से सही का हमें चयन करना है। स्टेटमेंट पहला ऑप्शन ए है, ए और बी दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है, ए असत्य लेकिन आर जो है सत्य है। तो यहाँ देखिए अहिल्याबाई होलकर से संबंधित दोनों ही स्टेटमेंट है लेकिन यह कोरिलेटेड नहीं है। कोरिलेटेड ना होने के कारण देखिए स्टेटमेंट पहला भी सही है कि अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर के छोटे से गांव से समृद्ध नगर की स्थापना की है, विकसित किया है और साथ ही साथ विधवाओं के लिए जो है उन्होंने कार्य भी किया है। लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन कोरिलेटेड नहीं है। और जब भी हम अभिकथन एवं कारण की बात करते हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट कंप्लीट होने चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, है ना। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन टू है, एक अज्ञात लेखक द्वारा रचित स्मृति संग्रह निम्नलिखित किस विषय पर लिखी गई है, है ना। स्मृति संग्रह इसका टॉपिक पूछा गया है इस कृति का, है ना, सब्जेक्ट पूछा है। ए है धर्म एवं दर्शन, बी है गुप्तचर व्यवस्था, सी है विधि एवं विधिक संस्थाएं, डी है सैन्य एवं युद्ध। अभी यहाँ पर एक ही आपको कीवर्ड याद रखना है, स्मृति संग्रह। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट क्या है इस पुस्तक का, कृति का। तो इसका सब्जेक्ट है सी, विधि एवं विधिक संस्थाएं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थ्री है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है अपने भवनों में तुर्क सुल्तान मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग व्यापक पैमाने पर करते थे। बी है न तो मेहराब और न ही गुंबद तुर्की या मुस्लिम नवाचार था। ऑप्शन सी है तुर्क अपने भवनों में उत्तम कोटि के चुने गए गारों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन डी है तुर्की शासक अपने भवनों में कभी भी रेल विम विधि का प्रयोग नहीं करते थे। ई है सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का प्रयोग सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद के मकबरे में किया था।
नीचे दिए गए कुट से हमें सही उत्तर का चयन करना है। ओके, ए है डी और ई, ऑप्शन बी है ए बी और सी, ऑप्शन सी है बी और सी, और ऑप्शन डी है ए। ओके, सो यहाँ देखिए पहला हमें स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है। पहला है कि भवनों में तुर्क मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग व्यापक पैमाने पर करते थे। करेक्ट है ना, न तो मेहराब और न ही गुंबद तुर्की या मुस्लिम का नवाचार है, इससे पहले भी था है ना। सो साथ ही साथ तीसरा देखिए कि उच्च कोटि के माने गारो एवं चूनों का उपयोग वह जो है ना भवनों में किया करते थे है ना। तो यह तीनों ही स्टेटमेंट सही है ना। तो यहाँ देखिए ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का प्रयोग जो है ना नासिरुद्दीन मोहम्मद नहीं एमबीटी है ना इनके टाइम से शुरू हुआ था। सो ये अपने आप ही कट हो जाता है ना। तो ये यहाँ आ रहा है। ओके, यहाँ देखिए सी और बी है लेकिन ए भी हमारा सही है, तो इस हिसाब से जाए तो क्वेश्चन आंसर हमारा बी है, करेक्ट। फोर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है ना। ए है वेनसांग एवं अलबिरुनी ने कनिष्क द्वारा पेशावर में बौद्ध विहार निर्मित करवाए जाने संबंधित उल्लेख अपने विवरणों में अभिलिखित किया है। बी है बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष पार्श्व एवं वसुमित्र ने कनिष्क का आश्रय प्राप्त किया। सी है कनिष्क कालीन सिक्के के पृष्ठ भाग पर ओएशो माने सियो साक्यमो बोडो ओयंडो एतो इत्यादि निरूपण मिलता है। डी है कनिष्क एवं उसके उत्तराधिकारियों के सिक्के पर पृष्ठ भाग पर परखरोष्ट लिपि में लेख मिलता है। ई है कल्हनकृत राज तरंगिनी में शुष्क चुष्क कनिष्क नामक तीन शासकों का कश्मीर पर संयुक्त शासन का उल्लेख मिलता है। नीचे गए दिए गए विकल्प में से सही का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए बी सी ए सी बी, ऑप्शन बी है ए बी सी, ऑप्शन सी है ए बी सी और डी, और ऑप्शन डी है हमारा ए बी सी और ई। क्वेश्चन फोर का करेक्ट आंसर है डी, ए बी सी और ई, डी नहीं है, है ना। सो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन फाइव है, मिन्हा सिराज के संदर्भ में निम्नलिखित किस स्थान का उल्लेख शहर ए नाऊ के रूप में किया जाता है। शहर ए नाऊ है ना, किसके संदर्भ में, मिन्हाज उद्दीन सिराज। ए है तश्कर गाह, बी है किलो खरी, सी है मेहरोली और डी है तुगलकाबाद। वेरी करेक्ट आंसर बी किलो खरी। सिक्स हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महापाषाणिक संरचनाओं के प्रकार है। ओके, ए है महरीर, बी है संगोला सगोरा वृत्त डॉलमेन, ई है फनाकृति पाषाण, सी है सरेखन। नीचे दिए गए में से सही पहला है ए बी सी और दूसरा है बी सी, थर्ड वन ए सी डी और फोर्थ वन ए बी सी डी ई। अभी देखिए सभी जो है ना महापाषाणिक जो हम प्रकार देखते हैं संरचनाओं के देखने को मिलता है ना। सो इस हिसाब से जाए तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सात क्रमांक का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरातात्विक अवशेष की विधि निर्वाहन की प्रविधि नहीं है। ए सोनार संवेदन प्रविधि, बी है थर्मोलिमिसेंस ताप संतृप्ति विधि, सी है त्वरित सहति स्पेक्ट्रोमेट्रि और डी है रेजोनेंस विधि, इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुवाद जिसे कहा जाता है ना। सो क्वेश्चन सेवन का वेरी करेक्ट है त्वरित सहति स्पेक्ट्रोमेट्रि, यह नहीं है। बाकी सभी जो हमें देखने को मिलता है पुरातात्विक अवशेषों की विधियां है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम सवाल लेते हैं। आठ क्रमांक का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए वर्ष 1649 के अंत तक कंधार मुगलों के कब्जों में सफियों के अधीन चला गया। बी है जहांगीर के शासनकाल में मुगल बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में विफल रहे। सी है शाहजहां ने मेवाड़ के राजा राज सिंह पर चित्तौड़ पर पुनः किलेबंदी करने के लिए विरुद्ध कार्यवाही की। डी है शाहजहां कुमाऊं
और गढ़वाल के राजाओं को मुगल आधिपत्य स्वीकार कराने में विफल रहा। यह है वर्ष 1632 में शाहजहां द्वारा हुगली पर किए गए आक्रमण का पुर्तगालियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया गया। अभी ऑप्शन देख लेते हैं, केवल ए, ऑप्शन बी है बी सी और डी, ऑप्शन सी है सी डी और ई, और ऑप्शन डी है ए और सी। सो देखिए, वर्ष 1649 में कंधार मुगलों के कब्जे से सफियों के अधीन चला गया था, है ना, बाबर का हमने देखा था, है ना। सो ए करेक्ट हो जाता है। ओके, शाहजहां सेकंड है, जहांगीर के शासनकाल में बंगाल पर प्रभुत्व में विफल रहे, ये स्टेटमेंट गलत है। शाहजहां ने मेवाड़ के राजा राज सिंह को चित्तौड़ पर पुनः किलेबंदी करने के लिए अविरुद्ध कार्यवाही की थी, है ना। तो ए और सी, यह दोनों ही जो है ना सही है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नाइन्थ हमारा सवाल है, नीचे दिए गए कथन, है ना, ए अभिकथन है और उसका कारण दिया हुआ है आर। तो अभिकथन देखते हैं, ए है शिव सिद्धांत पर आधारित तिरुमंदिरम नामक रचना के लेखक तिरुमलार का मत है कि आत्मा पदार्थ के कम नहीं होती, इसे यथार्थ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि किसी एक को दूसरे से पृथक मानना असंभव है ना। आत्मा एवं यथार्थ के बारे में बताया है। आर का कह रहे हैं, मंत्र बेनियो नहीं है, प्रेम एवं शिवम अनुभव की भिन्न श्रेणियां, अपनी चरम अवस्था में शिवम पहुंचता है, अवस्था में विश्रांति पाता है और उसी आनंद प्रद। उपरोक्त में से हमें सही का चुनाव। ये देखिए, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन ओके, आर एक ही सही व्याख्या है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड ऑप्शन है, ए और आर सॉरी, ए और बी दोनों ही सत्य है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। पहला स्टेटमेंट सी का, ऑप्शन सी का है, ए सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है। डी की बात करें तो ए असत्य है और लेकिन आर जो है सत्य है। तो यहाँ देखिए, शैव सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है ना, कैसे आत्मा उसका परमात्मा से मिलान, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कोरिलेटेड है, इसीलिए ए और आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या करता है। 10 क्रमांक का प्रश्न है, मिलान करना है। और इस बार देखिए, इससे पहले की क्वेश्चन पेपर में भी आपने देखा होगा, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बरनी पर प्रश्न पूछा गया था, इसलिए जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, इनकी रचनाएं बहुत अच्छे से आपको इस बार भी एग्जामिनेशन में करना है। ए है अमीर खुसरो फुतुहा सलातीन, जियाउद्दीन बरनी सना ए मोहम्मदी, रफीउद्दीन तुगलक नामा इसामी, तजकिरतुल मुलुक। अभी देखिए, ऑप्शन की अगर बात करें, अगर आप सभी को पता हो, अमीर खुसरो की रचना क्या है, तुगलक नामा है ना, तुगलक नामा। तो अल्टीमेटली फर्स्ट का थर्ड आ जाएगा, है ना, फर्स्ट का आ जाएगा थर्ड। जियाउद्दीन बरनी की रचना है तुहफत ओ सलाती, माने की ओके, जियाउद्दीन बरनी की रचना है सनाए मोहम्मदी, है ना, तो इसका आ जाएगा हमारा बी। रफीउद्दीन की रचना हमें तजकिरतुल मुलुक और इसामे की फुतुहुत ए सलातीन, है ना, तो ए के साथ जाएंगे, ए वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है। 11th हमारा सवाल है, कौन सा कथन सही है पूछा है। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो भारतीय कम्युनिस्ट ने सभी प्रकार के साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने संयुक्त मोर्चा नीति जारी की। बी है, जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया तो भारत में कम्युनिस्टों ने एक सही तरीके से मंचन किया और युद्ध को लोगों के युद्ध के रूप में फिर लेबल किया। सी है, भारतीय कम्युनिस्ट ने हर संभव समर्थन दिया और यहाँ तक कि 1942 के लोकप्रिय विद्रोह दबाने के लिए ब्रिटिश जासूसों का काम किया। ई है, भारत को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई को पुरस्कृत किया। अभी यहाँ ऑप्शन की बात कर लेते हैं, है ना।
तो देखिए, ए सही है, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और अब भारतीय कम्युनिस्ट ने सभी प्रकार के साम्राज्यवाद के खिलाफ मोर्चा निकाला था। सो ए करेक्ट है ना। तो बी की अगर बात करें, हिटलर का सोवियत संघ पर हमला है ना, तो ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट जो है संभव प्रयास किए थे, मतलब दिया था समर्थन, और 1942 के विद्रोह दबाने के लिए जासूसों का काम किया था। लेकिन यह जो लास्ट स्टेटमेंट है वह गलत है, ई है ना, तो इसलिए हमारा बी के साथ जाएंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 क्रमांक का सवाल है, इसको कालानुक्रम करना है, व्यवस्थित करना है। केरल वर्मा द्वारा शाकुंतलम है ना मलयालम में अनुवाद कब हुआ? भारतेंदु की मृत्यु है ना, ये सेकंड मतलब इसी लास्ट 2023 में डबल माने दूसरी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। असन के बागाम श्रमिकों की अवस्था की पड़ताल हेतु भारतीय संघ द्वारा द्वारकानाथ गांगुली जी को भेजा जाना, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज की स्थापना, सीपी रमन पिल्लाई द्वारा मलयालम उपन्यास मार्तंड वर्मा का लेखन। अभी देखिए, इसका जो है ना वेरी करेक्ट आंसर आ जाता है सी, ए बी सी डी और ई है ना, क्यों देखिए। ओके, 1882 में केरल में वर्मा जो है संस्कृत कोइल थम्पुरन ने संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का मलयालम में अनुवाद किया, कब की घटना है? 1882 में, ठीक है। भारतेंदु इनकी मृत्यु 1885, इंडियन एसोसिएशन के द्वारकानाथ गांगुली को असम के बागान मजदूरों के पास भेजा 1885 में है ना। इसके बाद देखिए, 1887 में देव समाज की स्थापना और रमन पिल्लई द्वारा मार्तंड वर्मा का उपन्यास लिखना, ठीक है। 13 क्रमांक का सवाल है, विजयनगर राज्य से संबंधित कौन सा कथन सही है पूछा है? राज्य नामक प्रशासकीय इकाई प्रधानी कहे जाने वाले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अधीन होता था। बी है, प्रत्येक राज्य में मुख्यालय सीमा कहलाती थी। राज्य संपूर्ण 16वीं शताब्दी के दौरान महत्वपूर्ण प्रशासनिक राजस्व इकाई थी। डी है, राज्यों का सृजन तुलुव वंश के शासकों के द्वारा किया गया। सो 13 का वेरी करेक्ट है, राज्य राज्य प्रशासकीय इकाई का जो प्रधान वरिष्ठ अधिकारी होता था उसे प्रधानी कहा जाता था। ओके, सो इसको भी कालानुक्रम करना है ना, औरंगजेब के टाइम शासन टाइम को, जजिया का पुनर लगाना, पुरंदर की संधि, बीजापुर में विजय, संभाजी को बंदी बनाना एवं प्राण दंड देना है ना, और लास्ट में है ई गोलकुंडा की विजय है ना। तो इसका वेरी करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है 14 का बी है ना, पहले सी बी ए डी और ई किस प्रकार से। ओके, सो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहामनी वंश की राजधानी जो है वह स्थलांतरित की थी? ओके चलिए, राजधानी पूछा गया है बहामनी वंश की है ना। चलिए, तो अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो जजिया का पुनः लगाना, तो यह घटना हमें 1674 में देखने को मिलती है। पुरंदर की संधि 1664, बीजापुर का विजय 1686 में हुआ था, संभाजी महाराज को कैद 1689 में, और यह जो गोलकुंडा है उसकी विजय 1687 में है ना। निम्नलिखित में से किसने बहामनी वंश की राजधानी को दौलताबाद से गुलबर्गा स्थानांतरित किया? ए अलाउद्दीन हसन बहरम शाह, बी है मोहम्मद प्रथम, सी है दाऊद सेकंड और डी है फिरोज। सो वेरी करेक्ट आंसर अलाउद्दीन हसन बहरम शाह, ठीक है। तो इस प्रकार से 2023 जून 2023 एग्जाम के हमने PYQs डिस्कस करते जा रहे हैं है ना। सो इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आने वाले एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए Paper 2 हिस्ट्री के कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।